हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल संगीता ब्यूटी वर्ल्ड। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही इजी और डिफरेंट वे में स्टेप्स कट बताने वाली हूँ काफ़ी अच्छे थिक और हेल्दी हेयर पे। तो चलिए सारा प्रोसेस मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। तो ये कटिंग मैं करने वाली हूँ आयुषी के हेयर पे। हेयर को प्रॉपर अच्छे से गीला करके कोम करके टैंगल फ्री कर लेना है। जिनको भी स्टेप्स कट करने में प्रॉब्लम होती है ना, तो ये टेक्निक आप फॉलो करिए। बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ और बहुत हैवी स्टेप्स लुक निकल के आने वाला है, जो कि स्टार्टिंग में आप लोगों ने फाइनल लुक देख लिया है। तो यहाँ पे हेयर को अच्छे से कोम करके सुलझा लेना है। तो मैंने आप लोगों के सारे मैसेज रीड किए हुए हैं, जिनमें से कुछ लोगों को तो डिग्री के हिसाब से अच्छे से समझ में आ रहा है, लेकिन जो लोग बिगनर हैं अभी सीख रहे हैं स्टार्ट कर रहे हैं, तो उन्हें डिग्री के अकॉर्डिंग कटिंग समझ नहीं आ रही, तो उनके लिए ये कट बहुत इजी होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टॉप एरिया से इस तरीके से सेक्शन डिवाइड करेंगे, जैसे कि हम मल्टी स्टेप्स वगैरह में करते हैं ना, सेम वैसे आपको यहाँ पे ये गाइडलाइन के लिए हेयर को निकालना है। ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कोम करते हुए। ये मेजरमेंट करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, जैसे कि नीचे से करूँगी तो फिर वो आपको समझ नहीं आएगा। तो इसको 95 डिग्री पर डाउन क्यों देखिए सामने की तरफ, ठीक है, उसके बाद इसको आप देख लेंगे। तो शोल्डर से मैं हल्का सा ऊपर टच करके रखी हूँ, मतलब थोड़ा सा ऊपर लेके आज कट करी हूँ ताकि स्टेप्स और ऊपर तक जा सके, क्योंकि जो हेयर है वो स्ट्रेट है। अगर वेवी होता तो उसको मैं थोड़ा सा और डाउन करके करती। सेम फिर से इसको रीचेक करेंगे, बराबर कट कर देंगे। तो जो भी आप लोगों ने वीडियो के नीचे कमेंट किए थे वो भी मैंने पढ़े हैं, और बहुत ज़्यादा डीएम तो इंस्टा पे आए हुए थे, तो आप सब की रिक्वेस्ट पे ये वीडियो मैं लेके आई हूँ। आप गाइडलाइन को नीचे की तरफ डाउन कर देना है, कटिंग करने वाले हेयर के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमें क्या करना है, मिड तक स्ट्रेट पार्टिंग करनी है, ठीक है, और इसमें हम ईयर टू ईयर सेक्शन पहले डिवाइड कर लेंगे। थिकनेस वाइज ईयर बहुत अच्छे हैं, तो हम क्या करेंगे कि कान के ऊपर से या कान के पीछे से आप ले सकते हैं। अगर हेयर पतले हैं तो कान के सामने से लीजिएगा, ठीक है, बट इनके हेयर बहुत अच्छे हैं तो मैं कान के पीछे से हेयर को ले रही हूँ। इसको भी सिक्योर कर देंगे, ये देखिए। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी, देखिए आयुषी के हेयर जो है बढ़ने के बाद भी एक अच्छे शेप में दिख रहे हैं, जैसे कि यू कट में आपने देखा होगा विदाउट कटिंग भी कितना अच्छा नीचे से शेप लग रहा था। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ मिड से भी कटिंग करेंगे, जैसे कि हम सैग हेयर कट के टाइम पे या फिर हाफ मून स्टेप्स के टाइम पे कटिंग करते हैं ना, सेम वैसे ही। तो मिड से इस तरीके से सेक्शन डिवाइड कर लेना है, ये देखिए। तो यहाँ पे मैं सी सेक्शन डिवाइड कर रही हूँ, ऐसा गोल हल्का सा शेप में, जैसे सी होता है ना उसी तरीके से यहाँ पे मैं ले रही हूँ हेयर को। इस वाली लेयर को भी सेम वैसे ही कट करना है, जैसे कि हमने टॉप एरिया पे गाइडलाइन वाली लेयर को कट किया था, सेम वैसे करना है, मतलब 95 डिग्री एंगल पे। जिनको डिग्री नहीं समझ आ रही, आप ये समझ लीजिए कि सामने की तरफ थोड़ा सा झुकाना है, ठीक है, देखिए कोम करना है और सामने की तरफ डाउन करना है। हाइट पे लेके तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा सामने की तरफ डाउन करके रखेंगे ताकि जो नीचे की लेंथ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सके। उसके बाद इसको बराबर कट करेंगे। स्टेप्स कट में हमेशा हमें बराबर ही कट करना होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अधिकांशतः हर एक स्टेप्स कट में कटिंग जो है बराबर ही करनी होती है। सेक्शन आप डिफरेंट टाइप से डिवाइड करोगे वो एक अलग बात है, लेकिन कट बराबर होता है। कटिंग करने के बाद एक बार फिर से हम इसको रीचेक करके अच्छे से इवन कर लेंगे। अब होता है क्या कि जैसे मैं प्रोफेशनल और एडवांस वे में जब कटिंग सिखाती हूँ तो बहुत सारे सेक्शन डिवाइड करती हूँ, बैक साइड में भी कम से कम 3 to 4 सेक्शन तो डिवाइड करती हूँ, लेकिन होता है ना क्या, वो भी मैं डिग्री के अकॉर्डिंग करती हूँ। तो जो लोग अभी न्यू हैं सीख रहे हैं उनको वो चीज़ करने में टफ लगता है, तो आप क्या करें कि एक साथ में हेयर को ऐसा ग्रिप कर लें। अगर थिकनेस इनसे भी ज़्यादा घने हेयर हैं तो आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रिप कर सकते हो तो फिर आप इस तरीके से हेयर को एक साथ उठाएंगे।
मतलब आप इजी वे में भी एडवांस स्टेप्स कट करके दे सकते हो, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ना तो सेक्शन डिवाइड करना है, ना पार्टिंग करनी है, कुछ भी नहीं। और इसको इस तरीके से ट्विस्ट कर देना है, और इसको भी 95 डिग्री पे ही डाउन करेंगे और बराबर कट करे देंगे। बहुत अच्छा लुक निकल गया। ट्विस्ट करने से क्या होता है कि जो स्टेप्स में है ना, वो एकदम पंख नुमा लुक निकल के आता है, जैसे कि हम ओनियन स्टेप्स कट भी जिसे बोलते, एकदम स्लाइस टाइप का और एकदम घना घना सा लुक निकल के आता है। तो ये देखिए वन स्ट्रोक में कितना अच्छे से हुआ है। अब बारी आती है जो हमने ईयर टू ईयर सेक्शन डिवाइड किया, इसको कट करने की। तो पहले तो हम गाइडलाइन के लिए हेयर को निकाल लेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे कट करने के लिए मैं सामने में जाके खड़े हो जाऊंगी। तो इसको मैं थोड़ा सा लेयर विद स्टेप्स टाइप का लुक एक ही साथ में देने वाली हूँ, अलग अलग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें जो लुक है वो बहुत डिफरेंट वे में निकल के आएगा। तो हेयर को इस तरीके से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे कोम करते हुए, मीडियम हाइट पे रखना, जैसे हम लेयर कट के टाइम पे करते हैं वैसा, या फिर स्टेप्स कट में भी ऐसा होता है। तो इसको पहले मैं मीडियम हाइट पे रख के कट की, उसके बाद फिर से ऊपर ले जाएंगे। ऊपर की तरफ कोम करते हुए लेके जाना है बिल्कुल सीधा, ठीक है? सीधा मतलब 90 डिग्री। कोशिश करिए कि आप डायरेक्शन समझने के साथ साथ डिग्री भी थोड़ी सी समझ सके, और ये डिग्री तो ज़रूरी है समझना। और यहाँ पे हमें 95 एंगल पे कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे टॉप एरिया का पहला गाइडलाइन वाला सेक्शन था वो 95 पे कट हो चुका है। तो इसको हम सिर्फ 90 डिग्री एंगल पे कट करके छोड़ देंगे। अब इधर वाले हेयर को भी सेम वैसे ही कंप्लीट करना है। पीछे से गाइडलाइन को लेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास में दो गाइडलाइन है गाइस, एक तो साइड वाला और एक जो हमने टॉप एरिया से कट किया हुआ था। वो देखिए इस तरीके से, अभी मैं सामने नहीं खड़ी हो रही वरना कैमरे में मैं आ जाऊंगी और जिसका कटिंग करी वो तो दिखेगा ही नहीं, इस वजह से मैं पीछे साइड में जाके खड़े हो गई हूँ। तो इसको इस तरीके से देखिए, पहले मैं 80 डिग्री पे कट कर दी, देन इसको मैं ऊपर की तरफ लेके जाऊंगी, हो जाएगा हमारा 90 डिग्री एंगल। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी टेक्निक है, आप इसको करके देखिएगा। कितना भी आप अभी न्यू हैं बट आप कोशिश करोगे तो आपसे आराम से ये हो जाएगा। और हेयर कट की प्रैक्टिस के लिए मैं आप सबको हमेशा बोलती हूँ कि डायरेक्ट आप किसी के रियल हेयर पे मत करिए, आप डमी परचेस कर लें। जहाँ से आप पार्लर प्रोडक्ट बाय करते हैं वहाँ पे आपको डमी मिल जाएगी, अलग अलग रेट में आता है, सस्ता महंगा सभी मिलता है। तो जो आपको सही लगता हो, जो आपके बजट में हो, आप ले सकते हैं। कटिंग के लिए लेना है तो आप सस्ती वाली डमी लें, ज़्यादा सही रहेगा। अगर हेयर स्टाइलिंग के लिए लेना है तो फिर आपको महंगा वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें हीटिंग टूल्स भी चल नहीं पाता सस्ते वाले में। उसके बाद में बैक साइड से इस तरीके से हम कर देंगे यू कट। तो शेप तो इसमें ऑलरेडी आ गया है, आप देख ही रहे हैं, बट थोड़ी फिनिशिंग देना बहुत ज़रूरी है, वरना नीचे का जो कटिंग है ना वो अनइवन सा दिखेगा। तो मैं थोड़ा सा इनके हेयर कट को डीप यू कट का लुक देने वाली हूँ, ठीक है? क्योंकि सामने से मैं कोई लेयर वगैरह इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ, तो इसको डीप यू कट का लुक दूंगी। अगर आप सिर्फ बैक साइड से स्टेप्स कट करते हैं तो उसमें आप अपने पसंद के हिसाब से डीप, लाइट, वी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर आप स्टेप्स विद लेयर कट करते हो उसके साथ में अगर आपको करना है तो एक्स्ट्रा कट नहीं करोगे, ठीक है? उसमें आप हल्का फिनिशिंग बस दोगे, जो भी शेप आया है उसमें आपको फिनिशिंग देनी, हल्का ट्रिम करना है। लेकिन सिर्फ स्टेप्स कट के साथ आप अपने पसंद के हिसाब से उसको लाइट और डीप कर सकते हैं। और मैं इसलिए मना करी क्योंकि फ्रंट से जो भी आपने लेयर डाले होंगे और एक्स्ट्रा कट कर देते हो उसमें, तो फिर वो लुक आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हेयर कट का फाइनल लुक मैं लगा दी हूँ, कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इनके हेयर में जो सेटिंग है ना वो मैंने सेक्शन के हिसाब से किया हुआ है, जैसे प्रोफेशनल वे में स्टेप्स की सेटिंग होती ना उस तरीके से, मतलब पतले पतले लेयर को निकाल के थोड़ा थोड़ा सा सेट की हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो ये वाला टेक्निक अगर आपको सीखना है तो ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं कई बार, मतलब आपको दोनों चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, तो आप देख लीजिएगा कि कैसे करना रहता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि एक अलग से फिर से मैं प्रोफेशनल टेक्निक आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूँ, जो कि एक पतले पतले लेयर्स के साथ में हम सेटिंग करते हैं वैसा वाला। बाकी विदाउट हीटिंग टूल्स के आप कैसे बालों को सेट कर सकते हैं, स्टेप्स एकदम आउट कर्ल्स का लुक दे सकते हैं, वो टेक्निक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो
तो आप ना अपनी नीड के अकॉर्डिंग मेरे चैनल पे अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। सभी तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करती रहती हूँ, चाहे वो कटिंग की हो, सेटिंग की हो, या फिर इम्पॉर्टेंट टिप्स के साथ में अलग अलग चीज़ें मैं बताते रहती हूँ। तो जब भी आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो मैं सिर्फ कटिंग को ही नहीं बताती हूँ, उसके साथ साथ कुछ खास बातें भी बताती हूँ जो ज़रूरी होता है ध्यान रखना। कि मान लीजिए आप ये कटिंग किसी थिक हेयर पे ना करके किसी थिन हेयर पे कर रहे हैं तो आप किन बातों का ध्यान रखें, एक एक चीज़ मैं बताते हुए चलती हूँ। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि एडवांस कटिंग को भी आप इजी वे में किस तरीके से करके दे सकते हैं। सेल्फ कैसे करना रहता है उसकी वीडियो अभी जल्दी मैंने शेयर की थी कि आप अपना खुद का हेयर कट कैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले आपको काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी, वरना सेल्फ हेयर कट करना इतना ईजी नहीं होगा। तो डमी आप ले लें, और जो लोग भी कटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो मुझे वीडियो और पिक सेंड करते हैं, मुझे इंस्टा पे शेयर करते हैं, मुझे अच्छा लगता है देख के। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि मैम हमें आपकी इंस्टा आईडी पता नहीं है तो हम कैसे आपको अपनी आप हेयर कट का पिक या वीडियो भेजें। तो गाइज मेरी इंस्टा आईडी हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करती हूँ, वहाँ से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और आप सबको मैं तहे दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी, क्योंकि हमारे साथ में बहुत सारे लोग नए जुड़ते जा रहे हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैम हमें ये कट बताइए या फिर ऐसे बालों पे कौन सा कट अच्छा लगेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग उनको मेरे बोलने के पहले ही रिप्लाई कर देते हो कि मैम कि आप वीडियो चेक करें, चैनल पर जाएँ और वहाँ पर आप स्क्रोल करके देखें, आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो मतलब मेरे आंसर करने के पहले आप लोग उनको आंसर कर देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। सच में आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करते हो, और ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं तो चलो देर से रिप्लाई कर रही हूँ, बट आपने उनको पहले ही रिप्लाई कर दिया कि ऑलरेडी ये वीडियो अपलोड कर रखी है मैम ने, आप बस चैनल पे जाएं और देखें। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और हाँ, आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कुछ भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। वैसे तो डाउट रह जाने वाली ऐसा चीज़ मैं छोड़ती नहीं हूँ, मैं सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलती हूँ, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर कल मिलती हूँ आप सबसे एक और अच्छी सी नई वीडियो के साथ। लव यू ऑल, बाय गाइज़।